अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये है हमारी ग्रामर लाइन की टेक्स्ट बुक्स जिसमें हम हमारा 6th चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है दिस एंड दैट। इसके अंदर हम हमारा एक्सप्लेनेशन समझ चुके हैं दिस और दैट कैसे यूज़ करना है, और हमारी एक्सरसाइज ए बी ये दोनों फिनिश हो गई। आज हम हमारा क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, उसके नोटिस क्या है, हमें करना क्या है, वो मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। लुक एट दिस पिक्चर्स, टिक राइट द करेक्ट सेंटेंसेस। यहाँ पे हमें पिक्चर्स देखने हैं और उसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस करेक्ट है उस पर साइन करना है, टिक करना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये क्या है, दैट इज़ माय आंट अगाथा। ये जो है वो उसके आंट है और वो दूर से आ रही है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, दैट। अब यहाँ पे हम सेकंड जो है वो हम खुद करेंगे। दो सेंटेंस है, दिस इज़ अ ब्लू बटरफ्लाई, दैट इज़ अ ब्लू बटरफ्लाई। अब यहाँ पे देखो बटरफ्लाई उसके काफ़ी करीब है, तो क्या यूज़ होगा, नियर के लिए कौन सा आएगा, यस दिस, दिस इज़ अ ब्लू बटरफ्लाई। अब देखो ये जो लड़की है उसके हाथ में डॉल है, यानी उसके पास में डॉल है, तो जो चीज़ें पास होती है इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक बार हम दोनों सेंटेंस पढ़ेंगे। दिस इज़ माई डॉल, दैट इज़ माई डॉल। अब डॉल उससे दूर नहीं है इसलिए हम दैट तो यूज़ कर नहीं सकते, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दिस, दिस इज़ माई डॉल। अब यहाँ पे देखो स्नैक, स्नैक कभी हमारे पास नहीं सकता, हम उसे देख कर ही डर जाते हैं, तो स्नैक काफ़ी दूर है लड़के से और वो क्या बता रहा है, वो स्नैक को दिखा रहा है। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, दिस इज़ अ स्नैक एंड दैट इज़ अ स्नैक, तो दूर के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, दैट, दैट इज़ अ स्नैक। नाउ फिफ्थ नंबर, दिस इज़ अ ट्रेन एंड दैट इज़ अ ट्रेन। अब ये दोनों में से क्या यूज़ होगा, यस दैट। यहाँ पे देखो ये लड़की बाइसिकल पे है और बाइसिकल उसके करीब है, उसके पास में ही है, वो उसके ऊपर बैठी हुई है, इसलिए यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, दिस इज़ अ बाइसिकल, दैट इज़ अ बाइसिकल, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, यस दिस, दिस इज़ अ बाइसिकल। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सी जो है फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।